ओके, सो फटाफट आ जाइए सब लोग मैं वेट कर रहा हूं दो मिनट के लिए आ जाइए सब लोग फटाफट 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 आई एम वेटिंग इतना वेट तो मैंने मेरे गर्लफ्रेंड का भी नहीं किया था कभी गुड मॉर्निंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग सो गुड मॉर्निंग एवरी वन जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं सुनीत प्रिंकल अनुज रोहित अमृता आशीष दीपेश चेतन हर्ष केश ईशा युक्ता मुक्ता राघव दीपक शिवम मृणाल गाजी नितिन ईशान गुड मॉर्निंग क्या बताऊ कौन गर्लफ्रेंड बेटा क्यों गड़े मुगल मुर्दे उखाड़ने में लगे हो आप क्या कौन रोना आ जाएगा मेरे को चलो फटाफट आ जाइए सब लोग एक बार नंबर थोड़ा सा हंड्रेड टच करता है हम फटाफट हमारे कंटेंट के साथ आज शुरू करेंगे रेडी सो एक आज है भैया मोदी जी है आज एजेंडा में याद रखना मैं एकदम बस बेटा अमृत चलो आई गेस यस नियरली एटी स्टूडेंट्स लाइव है सो वी आर स्टार्टिंग नाउ ठीक है मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए बिना समय गवाए सबसे पहले मैं रिवीजन करवा दूं कि एक्जैक्टली exactly चल क्या रहा है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था और अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं ठीक है सो आ जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में मैंने पहला मेरा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने अमेंडमेंट्स के बारे में बोला था अमेंडमेंट की हमारी डेट फिक्स है अगर आपको याद होगा तो दैट इज 10 मार्च 10 सितंबर इस दिन आपके अमेंडमेंट रिलीज होते हैं मई 21 के लिए हालांकि ये बैच मई 21 के लिए ऑलरेडी अपडेटेड है पर नवंबर ट्वेंटी के लिए दस सप्टेंबर में आपको स्पेसिफिकली अमेंडमेंट लेक्चर देखना पड़ेगा फिर उसके बाद में दूसरी चीज हमने की थी

हमने देखी थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है आप ऐसा बोल सकते हो 444 फोर्टी फोर आर्टिकल से उसके अंदर फिर उसके बाद में एक थीसिस देखा था लॉ मतलब तो ये सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया जाता लॉ बनाया जाता है क्योंकि सिचुएशन लॉ डिमांड करती है इसलिए मैंने इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का लिया था एग्जाम्पल मैंने लिया था भैया भोपाल गैस का एग्जाम्पल हमने एक वीडियो भी देखा था अच्छा सा मैंने भैया लिया था एग्जाम्पल डाउरी का मैंने लिया था एक्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ टेरिज्म का जब नीचे बम फटा तो इनकी कुर्सियां हिल गई थी पार्लियामेंट वालों की तब जाके उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज़म वाला एक्ट बनाया 2002 में फिर हमने वो सेंटेंस लिख लिया था कि लॉ का मतलब क्या आता है लॉ आता क्यों है और कौन-कौन से उसके एग्जांपल्स हैं आई होप सो कि ये सेशन सबने देखा होगा और इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप सो सो आई गेस एवरीवन नोस दिस चलो बहुत बढ़िया आज हमारे बेसिक जो क्वेश्चन है वो कुछ दो तीन है फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड ये फर्स्ट है दूसरा आज का सवाल है लॉ किस तरीके से बनता है हो सकता है जो लोग मेरे पास फाउंडेशन से आए हैं उन्होंने ये कंटेंट भी देखा हो पर एक बार वापस देख लेना रिफ्रेश हो जाएगा तो आज ऐसे दो चार अच्छे अच्छे सवाल हम एंटरटेन करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर लॉ बेस्ड होता है और ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू लॉ बनता है बहुत कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर है मैं चाहूंगा बहुत अच्छे तरीके से आपने ध्यान देना कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों हां ना ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करना है बच्चों रेडी लेट्स गो सो एवरीबॉडी इज रेडी आई गेस मुझे बताइए जरा एक बार कमेंट्स में एवरीबॉडी इज रेडी मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है ये सुनो छ कैमरा भी सेट कर लिया थोड़ा ओके okay. सो so, चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सोट करना अच्छे तरीके से आज का हमारा जो सवाल आ रहा है वो है सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर लॉ बेस्ड होता है सब लोग यस सर बोल रहे हैं दैट मींस ऑडियो वीडियो इज क्लियर अगर किसी को फिर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि इतने सारे लोग कमेंट्स में हाँ बोल रहे हैं तो उसने खुद का माइक उसने सॉरी खुद का हेडफोन या उसके स्पीकर ठीक से एडजस्ट कर लेना ठीक है सो वॉट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर लॉ बनता है ठीक है कमेंट करना बंद कर दीजिएगा अब कंटेंट काफी अच्छे से शुरू होने वाला है देखो बच्चों हमने एक चीज तो देखी थी कि लॉ यह सिचुएशन बेस्ड होता है सिचुएशन सिचुएशन बेस्ड मतलब कि भैया आती है उसके हिसाब से लॉ बनता है यह चीज तो हमें पता है यह चीज तो हमारे जहर में उतर गई है कि हां भैया लॉ सिचुएशन बेस्ड होता है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको प्रमोट करने के लिए लॉ बनता है देखो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए

ये बात तो सबको तय है मतलब इन सब के पीछे एक बेसिक मकसद है एक बेसिक मकसद है कि भैया लॉ क्यों बनाया जाता है तो मैं आपको सिंपली बोलता हूं द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट फैक्टर आराम से द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट फैक्टर जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है वो है सेफ्टी ये फैक्टर के सिवा लॉ नहीं बन सकता मुझे माफ करना दुनिया में कहीं नहीं बन सकता इंडिया छोड़ो दुनिया में कहीं नहीं बन सकता लॉ का पहला एजेंडा होता है सेफ्टी किसी भी लॉ को उठा के देख लो सर किसी भी लॉ को हां बेटा सर एनिमल प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट हां वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स है उनके प्रोटेक्शन के लॉ बनाए उनके सेफ्टी के लिए लॉ बनाए नहीं तो है हमारे यहां कुछ हीरो लोग जो बिष्क्याव करके उड़ा देते हैं हिरन विरन को ठीक है बेचारे हिरन के आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली तो उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए सर इनकम टैक्स एक्ट बताओ हम पांच दिन से इनकम टैक्स के पांच लेक्चर देख चुके हैं इनकम टैक्स में कहा सेफ्टी है अगर आपको नहीं पता है, सर इनकम टैक्स तो हमको लूटता है हम जितना कमाते हैं हमसे ही पैसा लेता है इनकम टैक्स वाले सर एक करोड़ तक के तीस परसेंट करोड़ के बाद थर्टी सर बराबर कहा है कहां सेफ्टी है बेटा आप जो इनकम टैक्स में पैसा देते हो ना यूनियन बजट में उसका पहला पोर्शन इंडियन डिफेंस के लिए अलॉकेट होता है इंडियन मिलिट्री इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के लिए होता है और यही लोग तो है जो हमको सेफ्टी देते हैं यही तो वो सोल्जर जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमको सेफ्टी देते हैं सो इनकम टैक्स भी ले लो सर फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वो जो का है उसका हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज खेलता रहे हमारी रुपीज की वैल्यू ना गिरे इसलिए भी वो लॉ है उसमें भी सेफ्टी है तुम कोई भी सर जीएसटी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बने और पब्लिक के लिए सेफ काम कर सके रोड ब्रिजेस डैम्स बना सके सेफ्टी पुलिस स्टेशन बना सके सेफ्टी

सेप्ट समझ में फिर अगर पूछा गया चलो सेफ्टी तो है लिखो कमेंट में नालायक हो वहां गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग मेरी गर्लफ्रेंड बाबू सोना पिकाचू मेले बाबू ने थाना था या, इतनी सारी चीजें लिखते हो सेफ्टी एक फैक्टर लिखो जिंदगी के अंदर ठीक है सो so, सेफ्टी पहला प्रोडक्ट पहला इंपॉर्टेंस लॉ इसके सिवा बनी नहीं सकता तो बहुत बढ़िया सब लिख रहे तूफान जबरदस्त जिंदाबाद प्राउड ऑफ यू दूसरी बात अगर सेफ्टी है तो दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लॉ बनाया जाता है सेफ्टी है माना सर सेफ्टी तो है पर सेफ्टी के लिए सर कितना पैसा लगेगा ऐसा तो नहीं होता कि जितना इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है सर वो पूरा का पूरा सेफ्टी में लगता है बराबर बात है बेटा तेरी जो भी तुम सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो शानदार सोच ही बहुत अच्छी है आपकी सो so, अगर सेफ्टी पहला है तो दूसरा क्या है, सर जिसके ऊपर लॉ बनता है बच्चों अगर सेफ्टी मिलता रहे ना तो दूसरी चीज आपको मिलनी चाहिए बेनिफिट क्योंकि आप ही पैसा भर रहे हो गवर्नमेंट के पास तो आपको ही बेनिफिट मिलना चाहिए आप देखो इंडियन डिफेंस देखो सबने सेफ्टी कमेंट किया तूफान जबरदस्त जिन्होंने नहीं किया नालायक को तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम अटेम्प्ट की कसम मैंने देना बंद कर दिया अटेम्प्ट ही मर गया मे वाला मैंने कसम दी थी मे का अटेम्प्ट अटेम्प्ट ही मर गया था मैं अभी की कसम नहीं दूंगा तुमको तुम्हारे होने वाली की कसम ठीक है अभी तक नहीं भी मिला हो तो उसकी कसम याद रखना मिलेगा ही नहीं जिंदगी के अंदर तुमने यहां कमेंट करना है मतलब करना है पढ़ाई में भैया मेहनत में कोई दिक्कत नहीं देखो बराबर सेफ्टी वाले दना दन, दना दन, दना दन। दूसरा आर फैक्टर शानदार बेनिफिट जो लिख रहे हैं जबरदस्त सो पहला है सेफ्टी और दूसरा फैक्टर कौन सा है बच्चों बेनिफिट कौन सा है बेनिफिट आप देखो आप जो इनकम टैक्स में पैसा भरते हो बेटा पूरा का पूरा वो सिर्फ इंडियन डिफेंस के लिए यूज नहीं होता वो इंडियन डिफेंस के लिए यूज नहीं होता यूज होता है वो किस बात के लिए एयरपोर्ट बनाने के लिए वो यूज होता है रेलवे बनाने के लिए वो यूज होता है बस सर्विसेस ब्रिजेस डैम्स बैंड्रावरली सीलिंग आपके लिए रोड ये सब बनाने के लिए यूज होता है पोस्ट ऑफिस के लिए वो यूज होता है बीएसएनएल जैसे पीएसयू के लिए यूज होता है एसबीआई जैसे बैंक के लिए यूज होता है तो ये तो आपको बेनिफिट दे रहे हैं ना ये थोड़ी थो, एरोप्लेन थोड़ी ना सेफ्टी में आता है एरोप्लेन तो ट्रेवल के लिए आता है ये तो बेनिफिट है कम समय में ज्यादा डिस्टेंस पार करना है तो भैया एरोप्लेन है आज अगर अभी किसी ने पूना में सोचा कि मुझे कल दिल्ली वाले मेरे बच्चों से मिलना है मैंने सोचा मैं दिल्ली वाले मेरे स्टूडेंट से मेरे को मिलने जाना है तो भैया मैंने सवेरे अगर सोचा ना सवेरे ही मैं एरोप्लेन का टिकट निकाल के दिल्ली जाऊंगा दो चार घंटे का बच्चों के साथ मीटिंग करूंगा शाम के प्लेन से वापस आ जाऊंगा यह क्यों पॉसिबल है बिकॉज गवर्नमेंट ने बेनिफिट देकर रखा है दैट इज एरोप्लेन रेलवेज और बस सर्विसेस बेनिफिट है पर प्राइमरी फैक्टर सेफ्टी अगर बॉम्बलास होता रहे टेररिज्म होता रहे तो इसका क्या करोगे फिर इसमें भी बॉम्बलास होगा टेररिज्म होगा ये हाईजैक हो जाएंगे इसके पहले भी हाईजैकिंग किससे हुए हैं तो सेफ्टी बेनिफिट आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा जबरदस्त जितने लोगों ने बेनिफिट बोला सो so, दो फैक्टर जोर से चिल्लाना रूम में अकेले हो या एक साथ बैठे हो फैमिली के साथ बैठे हो या दोस्त के साथ बैठे हो तुमको कसम है तुम्हारे वाले या वाली की जोर से चिल्लाना दो फैक्टर सेफ्टी बेनिफिट मैं चिल्ला रहा हूं सेफ्टी बेनिफिट मेरे घर वाले में सोच रहे होंगे बंदा पागल हो जाता है टीचिंग करते वक्त तुमने भी यही सोचना है तुम्हारे घर वाले भी ये सोचना चाहिए बंदा पागल हो जाता है पढ़ाई करते वक्त बिंदास चिल्लाओ सेफ्टी बेनिफिट कंसेप्ट समझ में ये दिमाग में जहन में रग रग में बहना चाहिए दो फैक्टर हो गए जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है पहला है सेफ्टी बड़े अच्छे से ध्यान देना तीसरा फैक्टर का बच्चों नाम है नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर्स ये बड़े काम का फैक्टर है एक बार इसको जरा सा ठीक से पढ़ लो तीसरा फैक्टर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स नाम है ये फैक्टर का बच्चों

ठीक है इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा भैया एग्जाम्पल के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा इतना अच्छा एग्जाम्पल दूंगा बड़े अच्छे से ध्यान देना अब अगर मैं सोचू कोई भी बंदा कि भैया क्यों क्यों कोई भी बंदा सीए करता है कोई भी बंदा सीए क्यों करता है लड़का सीए क्यों करता है लड़कियां तो करती है भैया लड़किया तो पैशन में कर दिलती है कि भैया मेरे को कुछ तो भी करके दिखाना है ठीक है इसलिए लड़कियां करती है बहुत अच्छी बात है वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चों लेकिन लड़का क्यों सीए करता है ठीक है कोई भी लड़का सीए क्यों करता है अपन एक रोहित गुप्ता नाम का एक मेरा भाई है नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर जिसने कमेंट किया रोहित भाई हाय रोहित गुप्ता भाई हाय ठीक है सो हम रोहित का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ठीक है रोहित इस कार्यक्रम की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ समानता होती है रोहित तो इसको मात्र सहयोग कहा जाएगा

छोटा हाँ सा बंगला सीए कर रहे भाई सच में छोटा सा बंगला हो मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो छोटी सी गाड़ी और मुझे एक सुंदर सी रोहित सुंदर सी सुशील सुसज्जन सुसंस्कृत सुंदर सी लड़की मिले बराबर है रोहित है ना, सो so एक छोटा सा बंगला हो मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो और मुझे एक सुंदर सुशील सुसंस्कृत सी लड़की मिले ये रोहित का ड्रीम था रोहित भाई ये ड्रीम तो हो गई तुम्हारा आई होप सो so. सो so, रोहित जो था उसका ड्रीम था एक छोटा सा बंगला छोटी सी गाड़ी और सुंदर सुसंस्कृत लड़की रोहित सीए बन गया मेरी दुआ रोहित जल्दी से जल्दी सीए बन जाओ मेरे को पार्टी फेंक के मारो दो चार ठीक है ऐसा लग जानी चाहिए मेरे को ऐसे पार्टी फेंक के मारो ठीक है और सीए बनने के बाद में रोहित ने करोड़ों में कमाना शुरू किया मेरी दुआए रोहित तुम करोड़ों में कमाओ तुम सब करोड़ों में कमाओ ठीक है अब जैसे ही रोहित ने करोड़ों में कमाना शुरू किया रोहित ने एक छोटा सा बंगला बना लिया पंद्रह बीस बीएचके का हर रोज अलग अलग रूम में सोऊंगा बोले पंद्रह बीस बीच के एक दो बीएच के उतनी होता पंद्रह बीस बी एच के हर रोज अलग अलग रूम में कंसेप्ट अकेला

करोड़ों कमा रहा है बंगला बड़ा है सीए है और कार कौन सी ली नैनो नैनो क्यों ली रोहित ने पूछो क्यों रोहित ने नैनो इसलिए ली बेटा क्योंकि कितनी भी ठोको सिर्फ डेढ़ लाख का खर्चा नैनो किधर भी ठोको कितने बार भी ठोको पूरे इधर उधर ट्रैफिक में भिड़ा दो इसको उसको तो भी डेढ़ लाख का खर्चा पूरी कार ही रिप्लेस हो जाएगी डेढ़ लाख में

स्पीड में, में, में रोहित ने गाड़ी चला रही है रोहित ने सीट बेल्ट बांधा खुद का खर्चा था रोहित ने विंडोज नीचे कर दिए पूरे के पूरे लेट द एयर फोर्स कम एंड गो एयर फोर्स हाँ ना तो हवा चल रही है रोहित को मजा आ रहा है लाला ला, ला एकदम म्यूजिक लगा दिया ठीक है कौन सा वो ही चलाएं ठीक है सर so, रोहित ने फुल म्यूजिक गाना लगा दिया जोर से और गाड़ी जा रही है भैया जोर से गाड़ी जा रही है रोहित ने एक्सलेटर से बाहर निकाला ही नहीं सामने आया रेड सिग्नल रोहित ने सोचा सिग्नल का कलर रेड है मेरी कार का कलर रेड है अरे ये तो मैचिंग है फॉलो करने की क्या जरूरत है तो रोहित ने सिग्नल तोड़ दिया रोहित ने सिग्नल तोड़ दिया और जैसे ही रोहित ने सिग्नल तोड़ा बीच चौराहे पे बीच स्क्वायर पे बीच चौक में रोहित की कार और बीएमडब्ल्यू के बीच में एक्सीडेंट हो गया बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज बीएमडब्ल्यू हाईएस्ट मॉडल सेवन सीरीज बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज और रोहित की कार के बीच में एक्सीडेंट हो गया इमेजिन करो चौक में एक बीएमडब्ल्यू और एक नैनो बूम आपको पता है बीएमडब्ल्यू का टायर विथ एक्सेल जिसमें टायर फिट होता है वही एक लाख पचहत्तर हजार रुपए का आता है जिसमें पूरी की पूरी नैनो आ जाएगी बराबर है बोलो आया ना अब सोचो सोचो सिर्फ सोचो सिर्फ हवा में एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं बेटा फैक्टर समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं सोचो रोहित ने सीट बेल्ट बांधा रोहित की सेफ्टी थी खुद का खर्चा लगाना पड़ा रोहित ने विंडोज नीचे करके रखे थे लिड एयरफोर्स कम इन खुद का खर्चा करना पड़ा सिग्नल तोड़ा लॉ तोड़ा जाके ठोक दी बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज वाली को रोहित की सेफ्टी रोहित का बेनिफिट हाँ हो सकता है रोहित को चलाते वक्त बहुत मजा आ रहा था इसलिए उसने स्पीड कम करने की नहीं की उसका बेनिफिट वो देख रहा था मेरे को मजा आ रहा है बोले फुल स्पीड में भुगान के लिए इसलिए उसने रोकी नहीं तो रोहित के बेनिफिट के लिए खामियाजा किसको भुगतना पड़ा बीएमडब्ल्यू सेवन सीरीज वाले को

ये होता है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर लॉ इसलिए फॉलो करना है लॉ क्यों बनाया जाता है और क्यों फॉलो करना है क्योंकि तुम्हारे सेफ्टी तुम्हारे बेनिफिट का खामियाजा तुम ही भुगतो कोई और ना भुगते नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स ये बहुत बड़ा फैक्टर है अगर ये फैक्टर नहीं रहता ना लॉ में तो लोग चोरी करते थे चोरी करते थे पुलिस पीछे पड़ जाती थी डकैती करते थे पुलिस पीछे पड़ जाती थी और यहां तो लेडी पुलिस पड़ी है जरूरी है इंडिया में तो कैसे कैसे काले कलू मूड पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे जिनको भक्ति भी नहीं आएगा इंडियन पुलिस फोर्स की हालत कुछ पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे हैं खुद को मेंटेन करके चलते हैं तुमने भी देखा है पर आधे कैसे होते हैं उनके पास तो बिचारो के पास इक्विपमेंट भी नहीं होते लाठी लेके पीछे पड़ जाते सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर तीन फैक्टर हुए भैया ये लॉ में रहना ही चाहिए सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाई ना जोर से बोलो यस सर नो रोहित भाई आई एम वेरी सॉरी अगर मेरे तरफ से मैंने कुछ गलत बोल दिया हो आपके लिए सिर्फ एग्जाम्पल था इसको थोड़ा मजाक में लेना ठीक है और थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेशन के लिए ठीक है लेट्स गो सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना रोहित भाई अगर तुमको पसंद आ गया तो एक बार सिर्फ थम्सअप देना मैं समझ जाऊंगा तुमने मेरे को माफ कर दिया किसी भी गलती के लिए ठीक है चलो सो सेफ्टी बेनिफिट और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स तीन फैक्टर हो गए सेफ्टी बेनिफिट एंड नॉट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स कंसेप्ट समझ में आ रहा है चलो थैंक्स रोहित भाई रोहित गुप्ता थैंक यू सो मच सेफ्टी बेनिफिट एंड नॉट एट कॉस्ट ऑफ अदर तीन फैक्टर हमारे हो गए चौथे फैक्टर के ऊपर हम जा रहे हैं और चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एथिक्स एथिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भैया एथिक्स कोई है आप में कोई है ऐसा होशियार होनहार जबरदस्त जिंदाबाद लड़का या लड़की जो मुझे इथिक्स के डेफिनेशन कमेंट में बता दे व्हाट डू मीन बाय इथिक्स मुझे बताओ जरा कमेंट में व्हाट डू यू मीन बायिक्स एक बार जरा बता दो तुम्हें खुश हो जाऊ जिंदगी में कि व्हाट डू मीन बायिक्स कोई है कमेंट में बताइए जरा एथिक्स मतलब डिसिप्लिन नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है और कोई सर प्रॉपर बिहेवियर इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ सेजल कैन से दैट प्रॉपर बिहेवियर पर मुझे एक बात बताओ प्रॉपर बिहेवियर में क्या डिसिप्लिन बिहेवियर आता है जैसे अगर आप कहीं पार्टी करने जा रहे हो और आप नाच रहे हो एवी गणपति डांस कर रहे हो तो इथिकल है या नहीं है पार्टी में अगर आप ये कर रहे हो तो लीगल वैल्यूज मॉरल वैल्यूज बेटा एक चीज मैं आपको बोल दू अभी तो आपकी इथिक्स और कम्युनिकेशन सी ए इंटर के सिलेबस में नहीं है पहले आता था इथिक्स और मॉरल में डिफरेंस है इथिक्स इज वेरी पर्सनल थिंग मॉरल इज अ काइंड ऑफ तुम्हें को जो पढ़ाई जाती है जैसे तो मुस्लिम भाई मुस्लिम उसके मुस्लिम बेटे को नमाज पढ़ाता है ये मॉरल है हिंदू भाई उसके हिंदू बेटे को मंदिर ले जाता है ये मॉरल है हमारे हमारे जो संस्कार हमें घर वाले देते हैं हमारी कास्ट से या रिलीजन से जो संस्कार मिलते हैं वो मॉरल होता है बेटा ये चीज को याद रखना और कोई इथिक्स मीन्स डूज एंड डोंट्स यस राइट ये एक सही बात हो सकती है सेट ऑफ लॉज बाय अवर सेल्व माइड भी हो सकता है पर ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स इथिक्स फिलोसॉफी नहीं बेटा

सो so, मैं आप बोलता हूं इथिक्स मतलब क्या होता है दो मिनट के लिए कमेंट करना रोक देना बहुत अच्छे से से एक्सप्लेन करूंगा इथिक्स मतलब क्या होता है एक एक्जाम्पल लूंगा एक्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा देखो अभी तुम्हारी की एग्जाम है वो तो होगी फाउंडेशन शिपीडी की एग्जाम अब तुम्हारा रिजल्ट आएगा कुछ दिनों में अगले एक आद महीने में आपका रिजल्ट आएगा जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मेरी दुआ है सब लोग पास होने वाले जितने लोग यहां पर एक लोग हैं सबके सब पास होने वाले ठीक है अब जैसे ही तुम फाउंडेशन पास हो जाओगे सबसे पहली चीज तुम जिंदगी में क्या करोगे सबसे पहली चीज सर पेड़े बांटूंगा वो छोटी सी हो गई थोड़ी बड़ी सोचो सर पार्टी दूंगा हाँ। तुम दोगे पार्टी सो लेट्स क्रिएट एटमोसफियर ऑफ पार्टी ना ना थोड़ा एटमोस्फियर ऑफ पार्टी ये पार्टी ठीक है सो तुमने ये डिसाइड किया कि भैया अभी हमें पार्टी देनी है अभी हमें क्या देनी है बोले एक बार जो से पार्टी और तुम अपने दोस्तों को लेके पार्टी में चले गए

ठीक है सो तुम पार्टी में मस्त डांस किए जा रहे हो और जब तुम पार्टी में डांस कर रहे थे उस वक्त उस वक्त इसको मैं निकाल देता हूं नहीं तो तुम इसको ही देखते बैठोगे मेरा तुम भूल जाओगे नायक लोग ठीक है so, सो जब तुम पार्टी कर रहे थे तो एक तुम मस्त डांस कर रहे थे अपना मस्त चल रहा था ये गणपति डांस चल रहा था तुम्हारा एक बंदा ऐसे दूर बैठा था थोड़ा आपसे थोड़ा दूर बैठा था और आपको गुस्से से देख रहा था एकदम गुस्से से पता नहीं क्यों आप उसको जानते नहीं पहचानते नहीं लेकिन आपको गुस्से से देख रहा था आप उसको पहचान आप कभी मिले भी नहीं थे उससे जिंदगी में फिर भी गुस्से माइट भी आपका डांस ही ऐसा होगा इसलिए आपको गुस्से से देख रहा था आपको बंदा गुस्से से देख रहा था तुमने बोला हाँ बंदा गुस्से से देख रहा है आज तो मैं पास हुआ हूं हु। तेल लेने गया जो मेरे को गुस्से से देख रहा है आपने और जोर से डांस शुरू कर दिया वो बंदे को और गुस्सा आया पता नहीं क्यों माइट भी तुमको पार्टी में बहुत मजा आ रहा होगा और उसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा वो देख के जल गया होगा उसको और गुस्सा आया तुमने और जोर से डांस करना शुरू कर दिया फुल एकदम तांडव वो मुहरम का वाघ तुम्हारे अंदर आ गया ऐसे दना 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 तुमने डांस करना शुरू कर दिया जैसे गणपति डांस चल रहा है फिर वो बंदे को इतना गुस्सा आया वो बंदा अपनी चेयर से उठ गया और तुम्हारी तरफ गुस्से से देख देख रहा है आंखों में अंगारे लिए उसने साइड से एक बॉटल उठाई तुम्हारा डांस स्लो हो गया उसने वो बोतल फोड़ी तुम्हारा डांस और स्लो हो गया और वो बोतल लेके आंखों में अंगारे लेके वो बंदा तुम्हारे तरफ भागना शुरू कर दिया तुम्हारा डांस स्लो मोशन हो गया बराबर है मुझे एक सवाल का जवाब देना तुम्हें रीजन पता हो या तुम्हें रीजन ना पता हो तुम्हें रीजन पता हो या तुम्हें रीजन ना पता हो मुझे बताओ अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे या नहीं भागोगे

तुम उसके तरफ पलटे तुमने दो बॉटल उठाई साइड में दो बॉटल पड़ी थी तुमने दो बोटल उठाई दोनों तो दो दो फोड़ी उसके तरफ पलटे और तुमने उसको बोला आ आ भाग भाग के थक गया अब आ अब तो आने दे दो दो हाथ दो सिचुएशन दो सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन में अगर उसने तुम्हें बोटल मार दी सिर पे फोड़ी पेट में डाल दी सिर पे फोड़ा पेट में डाल दिया मर्डर मर्डर किया उसने तुम्हारा मर्डर वन मर्डर टू मर्डर थ्री क्यों क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा था और तुम बहुत मजे कर रहे थे उसकी आंखों के सामने जो भी रीजन हो सकता है मैं को नहीं मालूम पर उसने मर्डर किया फर्स्ट केस में उसने तुम्हें मार दिया मुझे एक सवाल का जवाब देना क्या यह इथिकल है या अनथिकल है कमेंट में बताओ मुझे क्या ये इथिकल है या ये अनथिकल है उसने तुमको मजे मजे में मार दिया क्या ये एथिकल है या अनिथिकल है जरा बताओ मुझे कमेंट के अंदर व्हाट डू यू थिंक मजे मजे में उसने तुम्हें मार दिया क्या एथिकल है अनथिकल है सही बात अनिथिकल बोल रहे सब लोग सबको अनिथिकल रख रहे हैं चलो तुम्हारा तो मर्डर हुआ है सब अनिथिकल बोल रहे हैं बहुत भारी मतलब समझ में आ रहा है चलो तुम्हारा तो मर्डर हुआ है तुम कैसे बोलोगे अच्छा तुम्हारा छोड़ो आजू बाजू में जितने लोग खड़े हैं या पी के पड़े हैं ठीक है जितने लोग खड़े हैं या पी के पड़े हैं समझ में आ रहा है उनसे पूछो कि ये बंदे ने मजे मजे में मेरे को मारा मजे करने के लिए मेरे को मारा उन लोगों से पूछो क्या ये इथिकल है अनिथिकल है वो लोग भी क्या बोलेंगे वो भी बोलेंगे अनिथिकल है सो so, उस बंदे ने बिना रीजन तुमको मारा तो वो अनिथिकल हो गया तुम खुद बोल रहे हो आजूबाजू वाले आजू लोग भी बोल रहे हैं जजमेंट भी आ गया जज भी बोल देगा भैया अनिथिकल है ये पहला केस वही दूसरे केस में वही दूसरे केस में वो तुम्हें मारने आने वाला था उससे पहले तुम्हारे हाथ में जो दो बॉटल थी वो तुमने सिस्ट्री पे फोड़ी और पेट में डाल दी मर्डर टू मर्डर थ्री मुझे एक बात बताओ ये तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा क्योंकि तुमको मालूम था कि अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें मार देगा तुमको मालूम था जब वो तुम्हारी तरफ बोतल लेके भाग रहा था तुम उसको ये नहीं बोल सकते ए भाई इंडियन पिनल कोड दफा 302 के तहत तुझे सजाए मौत हो सकती है मेरे मर्डर के के केस में ये तुम तुम उसको बोलने के लिए रुकोगे तुम नहीं रुकोगे नहीं और वो नहीं सुनने के मूड में है इंडियन पिनल कोड दफा 302 अरे उसको तो दफा बाद में लगेगी पहले तुम यहां से दफा हो जाओगे तुम उसको बोलोगे ये चीज नहीं बोल सकते तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको दो बॉटल मारी भैया

क्योंकि तुम्हें सेल्फ डिफेंस में क्या हो सकता है एक हाथ दो महीने की सजा दे दे और छोड़ दे पर तुमको कह दे बा मुशक्त और फांसी की तो सजा नहीं हो सकती कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना ये है डिफरेंस इथिक्स और का देखो एक ही टाइप का मर्डर एक ही जगह पे किया एक ही लोगों के सामने किया एक ही सिचुएशन एक ही टाइमिंग पे किया उसने किया तो मर्डर हुआ तुमने किया तो सेल्फ डिफेंस हुआ तुम करो तो रास ढीला वो करे तो कैरेक्टर ढीला <laughs> समझ में आ रहा है जिंदगी में बात तो सही है क्योंकि तुमने डिफेंस में तो में में किया किया तो 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 हो 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 गया गया उसने मज़े मज़े चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए होता होता है है तो सर सर अल्टीमेटली अल्टीमेटली बताओ ना सर, क्या होता है? आप बता सकती हो, क्या होता है? बोल सकता हूं

चोरी करना पाप है जरूर पाप है किसी से चोरी करना पाप है नहीं करना चाहिए लेट्स इमेजिन एक अनाथ बच्चा है छोटा है अनाथ बच्चा है खाने पीने के लाले है चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है इसलिए काम भी नहीं कर सकता कहीं पे उसको भूख लगी है तीन चार दिन से भूखा है नहीं खाएगा मर जाएगा अगर वो खुद का पेट पालने के लिए कहीं चोरी करता है साउथ इंडियन मूवी में दिखाते है ना एक छोटा बच्चा होता है उसकी एक और छोटी बहन होती है माँ बाप का घर उजड़ा होता है माँ बाप नहीं होते हैं ये दोनों अनाथ होते हैं भाई को टेंशन आता है मेरे बहन को खिलाने में उसने चोरी किया क्योंकि उसकी बहन और वो सर्वाइव कर पाए चोरी करना पाप है पर मुझे सवाल का जवाब देना इस केस में अगर खुद को जिंदा रखने के लिए लड़की को जिंदा रखने के लिए उस ऑर्फन ने अगर चोरी की तो इथिकल है अनिथिकल है हाँ डिस्प्यूटेड हो सकता है पर आप पूरे तरीके से उसको गलत नहीं बोल सकते सब रास्ते अगर बंद हो जाए तो आदमी ये करेगा खुद को जिंदा रखने के लिए तो करेगा और करना भी चाहिए सो so ये भी इथिकल ही माना जा सकता है क्योंकि उसने सर्वाइवल के लिए किया कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा था तो इसे भी हम इथिकल मान सकते हैं ये इथिक्स होता है सिचुएशन का है? देखो आपने शायद भगवत गीता अगर कभी पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक सेंटेंस है धर्महा मति ब्याह उदृतहा धर्महा मति ब्या मतलब इथिक्स मति मतलब दिमाग उदृतहा मतलब जन्म लेना इथिक्स ये दिमाग से ही जन्म लेता है क्योंकि दिमाग ही वाइज माइंड ही आपको सिचुएशन के हिसाब से बोलेगा what is right and what is wrong. इसे हम कहते हैं इथिक्स आई गेस समझ में आया होगा अगर समझ में आए तो जरूर मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको क्या समझ में आया कैसा लगा इथिक्स के एग्जाम्पल ठीक से समझ में आए या नहीं आए प्लीज मुझे बताइए फटाफट इट फास्ट एक सौ चालीस लोग हैं थैंक यू सो मच आदर्श शंतनु युग हितेश थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया अब हमारे चार फैक्टर्स के ऊपर हम वापस आ जाते हैं

ये याद रखना क्लियर है अब मैं यहां बोलना चाहूंगा बड़े अच्छे से ध्यान देना ये जो चार फैक्टर है फैक्टर नंबर वन द कॉस्ट ऑफ अदर इथिक्स इसमें से जो पहले दो फैक्टर होते हैं ना बच्चों बड़े गौर से ध्यान देना बड़े गौर से ऐसा हाथ लो ऐसा हाथ का कटोरी करो कटोरी हाथ का और कान के पीछे लगाओ ठीक है और बड़े शांति से सुनना मैं क्या कह रहा हूं कोई मजाक नहीं मस्ती नहीं जो बोल रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी और बेनिफिट पहले दो जो फैक्टर है ना ये दोनों फैक्टर हर लॉ में मस्ट बी रिटर्न मस्ट बी रिटर्न हर लॉ में लिखने पड़ते हैं ये फैक्टर हर लॉ में लिखे जाते हैं कि सेफ्टी कैसे देंगे बेनिफिट कैसे देंगे हाँ बेनिफिट किसी लॉज में नहीं होगा नहीं होगा पर सेफ्टी तो हर लॉ में लिखी ही जाती है और अगर बेनिफिट है तो वो भी लिखा जाता है इट मस्ट बी रिटर्न इन एवरी लॉ इन एवरी लॉ हर लॉ में तुमको ये फैक्टर लिखने ही पड़ेंगे जरूरी है, है। कंपलसरी ना, ना, बिल्कुल इसके खिलाफ कोई तो लेटर ना सुनूंगा मैं। लिखने ही पड़ेंगे वरना लॉ बनी ही नहीं पाएगा और नीचे के जो दो फैक्टर्स होते हैं ना बच्चों ये किसी लॉ में लिखे नहीं जाते नॉट रिटर्न इन एनी लॉ किसी भी लॉ में नहीं लिखे जाते दोन लॉ आप कोई भी लॉ उठाकर देख लो ऐसा नहीं लिखा जाता कि भैया लॉ शुरू होते थे पहला लाइन धिस लॉ इज वेरी इथिकल तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा से लॉ कुछ पढ़ा पार्टनरशिप पढ़ा पहले में लिखा था दिस वेरी इथिकल कंसिडर धिस लॉ इज इथिकल नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कभी पढ़ा तुमने ऐसा नहीं पढ़ा होगा पढ़ भी नहीं सकते ना ही आगे किसी लॉ में आएगा ये फैक्टर रिटर्न नहीं किए जाते फैक्टर अज्यूम्ड है लॉ बना रहे हो तो आपका एक सिंपल मतलब बनता है लॉ बना रहे हो

समझ में अब मैं चाहूंगा सवाल लिखना लिखना के अंदर लिखना, what are the factors on which based, फिर ये चार फैक्टर लिखना फिर पहले दो फैक्टर को करली ब्रैकेट करके, करके लिखना है बी रिटन इन एवरी लॉ दूसरे दो फैक्टर को करली ब्रैकेट करके लिखना है नॉट रिटन बट अज्यूम्ड इन एवरी लॉ नॉट रिटन बट अज्यूम्ड इन एवरी लॉ ये अज्यूम्ड है हर लॉ में आप इसको अज्यूम करोगे कि सही हो रहा है क्लियर है मैं चाहूंगा इसको फटाफट लिख लो सवाल है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड आई एम रिपीटिंग व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड एक बार लिखना हो जाए तो कमेंट में डाल देना हो गया करके सर युग जैस वाले से बहुत बढ़िया जिनका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से लिख सकते हैं या बीस पच्चीस तीस सेकंड और देता हूं लिख लीजिए बहुत ही बढ़िया बच्चों जबरदस्त जिंदाबाद शानदार हो गया बच्चों आई होप सो so आपने लिखा होगा इसको ठीक से नाउ अब जैसे ही मैंने ये चीज बताई अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं थोड़ा एनालिसिस आपकी को और पॉलिश करने के लिए देखो मैं काफी अच्छी स्पीड से लेके जा रहा हूं आपको हर एक चीज क्लियर करवाने के लिए एक अच्छा छोटा एनालिसिस मुझे तो चार फैक्टर में से कौन से कौन दो फैक्टर जो लिखने पड़ते हैं वो है सेफ्टी और वो है बेनिफिट बराबर है मान रहे हो सेफ्टी बेनिफिट लिखना पड़ता है ये दो अज्यूम्ड है अब जो लिखना ही पड़ते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ना जो अज्यूम्ड उसके ऊपर क्या डिस्कशन करें वो तो अज्यूम्ड ही है आप लिखो ना लिखो माना जाएगा कि वो है करके So, जो लिखने है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्लियर है थीरे? कौन से लिखने हैं भैया सेफ्टी लिखना है भैया बेनिफिट लिखना है ये दो फैक्टर्स हमको लिखने ही है अब मैं जरा आपके सामने चार डिफरेंट टाइप के लॉज रखता हूं अलग अलग ड्राफ्ट कि हम लॉ बना रहे हैं ऐसा समझो जिसके अंदर ये चार लॉज है लॉ वन लॉ टू लॉ थ्री लॉ फोर लॉ 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 लौ, लॉ लौ, लॉ ठीक है सो so, मैं चार लॉज आपके सामने रख रहा हूं ठीक है अब मैं इसके अंदर कहीं सेफ्टी रखूंगा कहीं बेनिफिट रखूंगा आपको मुझे बोलना है क्या यह लॉ बन सकता है या नहीं सबसे पहला पहला लॉ का ड्राफ्ट था जिसमें ना ही सेफ्टी था ना ही बेनिफिट था मुझे बताओ क्या यह लॉ बन सकता है सीधा आंसर होगा सबका और होना भी चाहिए स्ट्रेट आंसर कि भैया ये लॉ नहीं बन सकता इज इट अ लॉ नो ये बन भी नहीं सकता ना ही सेफ्टी है ना ही बेनिफिट है क्या कर रहे हो दूसरा सवाल ट्रिकी है सेफ्टी नहीं है पर बेनिफिट जरूर है सेफ्टी नहीं है पर बेनिफिट जरूर है लॉट टू के लिए मुझे आंसर दो लॉट टू के लिए सब्जन लॉट टू इस लॉ के लिए मुझे आंसर दो लॉट टू लिख के आंसर दो क्या यह लॉ बन सकता है यस और नो में सिर्फ लॉट टू यस और नो लॉट टू यस और नो लॉ टू नो आगे सबका आंसर आ रहा है बहुत जबरदस्त लॉ टू ये लॉ नहीं बन सकता अरुण राज में यस बोला है अरुण बेटा समझना किसी भी लॉ का जिनको जो यस बोल रहे हैं जिन्होंने बोला एकदम सही आंसर है कि ये लॉ नहीं बन सकता पर जिन्होंने यस बोला उनके लिए क्लियर कर दू जिस लॉ में सेफ्टी ही नहीं है बॉमला सो रहे टेरिज्म हो रहा है मर्डर हो रहा है चोरिया हो रही है वो लॉ कैसे है तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज सेफ्टी से बेनिफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता क्लियर है तो सेफ्टी नहीं है तो लॉ बन ही नहीं सकता क्योंकि लॉ का प्राइमरी मकसद भैया सेफ्टी है

पहली बात क्या लॉ बन सकता है आंसर है हां जो लोग ये सोच रहे कि लॉ नहीं बन सकता तो मैं जवाब दे दू बेटा ये लॉ बन सकता है क्योंकि इसमें प्राइमरी इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है दैट इज सेफ्टी सेफ्टी ठीक है है जब हो तो हो तो बेनिफिट भी सकता है, नहीं भी हो सकता बेनिफिट कंपलसरी नहीं है पर लॉ में लिखा जाता इसलिए मैंने उसको फैक्टर करके समझाया आपको लेकिन बेनिफिट इज नॉट कंपलसरी बेनिफिट इज नॉट कंपलसरी किस लॉ में लिखा होगा किसमें नहीं होगा सर कुछ भी बोल रहे हो अगर ऐसा कोई लॉ है तो उसका एग्जाम्पल बताओ सर तो माने जरूर देता हूं और एग्जाम्पल हमने देखा भी है

क्लियर कर रहा है कि लॉ कौन सी चीज बन सकती है समझ में आया तो प्लीज कमेंट में बताइए लाइक ठोकीये वीडियो को तो आइडिया आ जाएगा गो फॉर इट फास्ट नहीं बेटा प्रतेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन के ऊपर मत जाओ वो सिचुएशन प्रतेश काफी अलग जाती है सो डोंट टच इट अभी आपको आइडिया नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी चीज जा सकती है कौन सी नहीं अगले कुछ चार पांच लेक्चर्स में मैं क्लियर करूंगा डोंट वरी <laughs> थैंक यू तो सो मच हर्ष बेटा थैंक यू तो सो मच हर्ष मित्तल फटाफट लिख लो थैंक्स चेतन थैंक्स राज, थैंक्स चिराग प्रगति आदर्श चेतन अजय मौक्तिक मौक्तिक क्या नाम है शेड्यूल का था मतलब समझा नहीं बेटा मेरे को डाउनलोड <coughs> लिंक मौक्तिक आगे अवेलेबल होंगे अभी सभी लेक्चर रिकॉर्ड करना बाकी है फिलहाल यूट्यूब पे भी लाइव लेक्चर चलेंगे दस पंद्रह दिन फिर आपको डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे बेटा थैंक यू सो मच करण कुमार लिखना हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता देना कुछ लोगों का हो चुका है ऑलरेडी आई कैन सी दैट वेलकम रोहित बेटा एवरीबडी दो सौ से ढाई सौ जीबी के ग्रुप वन के लगे, रहेंगे फैसिलिटी हो ऑनलाइन डाउनलोड में तो काफी अच्छी बात होगी हर्ष हाँ नियरली रिजल्ट तक ही exactly, lectures, के होंगे कनिका वी डोंट नो एक्जेक्टली पर पंद्रह लेक्चर हम प्रिंटेडली मैक्स लेके चल रहे हैं चल डन एवरीबडी आई गैस सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं ठीक है अब मैं बढ़ रहा हूं आगे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल क्योंकि अगली चीज और भी तहलका है ठीक है सब चाहिए छोड़ दो कमेंट्स करना छोड़ दो पेन पेंसिल रख के बैठ जाओ बिकॉज अब हम कंटेंट वाइज और लेवल वाइज भी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ठीक है आई होप सो अभी आप रेडी हो अगले क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ठीक है तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए सवाल है और बहुत अहम यहां से डिस्कशन थोड़े से टेक्निकल और थोड़े से सीरियस होंगे so मैं पहले ही कर अभी आप बच्चे नहीं हो फाउंडेशन इंडिया का नागरिक है इंडिपेंडेंट इंडिया के नागरिक को लॉ लॉ कैसे बनाया जाता है सो so सवाल है हाउ इज लॉ मेड इन इंडिया इंडिया में लॉ किस तरीके से बनाया जाता है ठीक है अगर मैं आपसे पूछू लॉ कैसे बनाया जाता है तो आप बोलोगे सर

हाउ लॉ इज मेड इंडिया ये बहुत बड़ा सवाल है तो आप बोलोगे पार्लियामेंट ये वो सब फलना डकना जब हम कहते हैं ना हाउ लॉ मेड और आप सीधा जम कर रहे हो पार्लियामेंट पे तो आप सबसे पहले गलती कर रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंडिया में हाउ लॉ मेड ये समझने के पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया में लॉज कितने टाइप के होते हैं आपको लॉ के टाइप से नहीं पता और आप ये बोलोगे कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट तो किसी काम की चीज नहीं आपने भले ही फाउंडेशन में किसी से भी पढ़ा हो तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनके खिलाफ मेरा कुछ नहीं है पर आप सी इंटर में मेरे पास आए हो तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही चीज बताऊ हाउ लॉ इज मेड के पहले आपने एक सवाल खुद के लिए पूछना चाहिए कि कितने टाइप के लॉज होते हैं बच्चों बड़ा सीरियस सवाल है कितने टाइप के लॉज होते हैं

मैं आ जाऊँ सी इंटर में थोड़ा समय लेगा लैपटॉप बहुत दिनों बाद क्योंकि वन नोट के मैं पेजेस खोल रहा हूँ इंटर के लास्ट बैच हमने फेब्रुवरी में ली थी सो छोड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझे एक दो मिनट देना बच्चों जो सही अच्छा अच्छा चार्ट बनाया हुआ है वो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा ऐसी हवा में कुछ भी नहीं पढ़ाना है इंटर में मिल रहा हो तो फाइनल से उठा लेंगे और क्या यहाँ पे भी मिलना चाहिए जरूर पर बेसिक लेक्चर तो दिख रहा है ये है चार्ट फाइनल का ही पढ़ा दू वैसे भी फाइनल पे जाना है पढ़ लो वैसे भी बेसिक ही है वहां पे भी सेम ही चीज पढ़ाता हूँ तो आ जाइए लजको मुझे अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए आपका और ये बहुत सही डिस्कशन है बहुत सही डिस्कशन ठीक है ठेके? आपको खुश हो जाओगे आप आपको थोड़ा मैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में घुमा दूं तो आप पापा के साथ बैठकर डिस्कशन भी कर सकते हो कुछ दिनों बाद दो तीन लेक्चर के बाद है इमीडिएटली मत करने बैठ जाना ठीक है लेट्स गो सबसे पहली बात इंडिया में लॉ कैसे बनाते हैं इसके लिए समझना है व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ लॉ और अगर आपको समझना है वॉट आर द कैटेगरीज ऑफ लॉ तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडिया का मेन लॉ कौन सा है इंडिया का बेस लॉ कौन सा है इंडिया का बेस लॉ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कौन सा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 444 आर्टिकल्स रखे हैं 444 आर्टिकल्स मतलब 444 फोर्टी फोर क्लॉजे उसके अंदर अलग अलग 444 चीजें लिखी है जिसमें से एक आर्टिकल नंबर है 245, जो आर्टिकल नंबर 245 कहता है कि इंडिया में अगर कोई लॉ बनाएगा तो बनाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यह आर्टिकल बोलता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडिया के लिए लॉ बनाएगा और इंडिया का स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो राज्य के लिए राज्य के लिए जो गवर्नमेंट होता है वो राज्य के लॉज बनाएंगे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने चार आर्टिकल में से 245 नंबर के आर्टिकल में लिखा है कि भैया देश के लिए लॉ पार्लियामेंट बनाएगा और राज्यों के लिए लॉ राज्य सरकार बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा फिर इनको पूछा गया कि भैया कितने टाइप के लॉज बन सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही 245 के बाद एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया 246 जिसमें यह लिखा गया कि हम आपको लिस्ट देंगे हम आपको क्या देंगे लिस्ट उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन से टाइप का लॉ बनाना है 245 बोलता है पार्लियामेंट या स्टेट टू फोर्टी फाइव बोलता है कि हम लिस्ट लिस्ट देंगे उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लो फिर क्या वो लिस्ट? 246 के ही अंदर लिखी है? ना टू ना सिक्स ने वो लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेवंथ शेड्यूल में लिखवाई है लॉ में शेड्यूल्स होते हैं फॉर्मेट देने के लिए लिस्ट देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिलॉग कुछ पार्टनरशिप में नहीं थे फाउंडेशन में

पहले कैटेगरी का ना का नाम है यूनियन लॉज यूनियन लॉज यूनियन आपको शायद नहीं पता इंडिया को लीगल लैंग्वेज में इंडिया को लीगल लैंग्वेज में यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है बिकॉज जब हमको फ्रीडम मिला था तो हमारे यहां राजा महाराजाओं की जहांगीरी जो थी जो राजा महाराजाओं के एरिया थे जैसे हैदराबाद का निजाम जम्मू एंड कश्मीर का हरि सिंह इन सभी राजा महाराजाओं को इकट्ठा किया गया और उनको यूनाइट किया गया उनको यूनियन किया गया तब जाके इंडिया बनाया इसलिए इंडिया का लीगल लैंग्वेज में नाम होता है बच्चों यूनियन ऑफ इंडिया इसलिए पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनता है उसे हम कहते हैं यूनियन लॉ यूनियन लॉ और ऐसे यूनियन लॉ आप बोलोगे सर ये 97 का है दो मिनट के लिए रुक जाओ मैं बताऊंगा 66 का है, ये भी बताऊंगा जस्ट वेट सिर्फ फिलहाल ये समझो पूरे इंडिया के लिए जो लॉ बनता है उसे हम यूनियन लॉ बोलते हैं जैसे आपका कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह यह पूरे इंडिया को एक जैसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने जो पढ़ा वो पूरे इंडिया को ऐसा एक जैसा लगता है इसे लॉक बुज्स पूरे इंडिया को लगता है पार्टनरशिप पूरे इंडिया को लगता है ऐसा नहीं होता कि भैया पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट अलग लगता है महाराष्ट्र में अलग लगता है तमिलनाडु में अलग लगता है ऐसा नहीं होता यूनियन लॉ थ्रू आउट कंट्री एक जैसा लगेगा इसलिए वो यूनियन लॉ है इंडिया का लॉ है अभी तो जम्मू एंड कश्मीर में भी लगेगा इसके पहले तो दिक्कत भी थी बीजेपी सरकार ने लास्ट इलेक्शन के बाद तो ही किया जम्मू एंड कश्मीर में भी यूनियन लॉ जैसा वैसा लगेगा बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट है यूनियन टेरिटोरी माना जाता है यूनियन टेरिटोरी मतलब जिसको सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल करेगा दमन दीव दादरा नगर हवेली जम्मू कश्मीर ये यूनाइटेड ये

स्टेट लिस्ट मतलब जो लॉ स्पेसिफिकली स्टेट के लिए बनाए आपको पता है गुजरात में लिकर बैन है गुजरात में लिकर बैन है लोग पीते हैं वहां पर है लिकर बैन है गुजरात में ये उनका गुटखा बैन है महाराष्ट्र में गुटखा बैन है गुटखा बना महाराष्ट्र में गुटखा बैन है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत महाराष्ट्र में गुटखा बैन है बोलो दुबाकेशरी जुबा केशरी दाने डाने में केसर का दम ठीक है जुबा केशरी महाराष्ट्र में गुटखा दान है वो जुबा केशरी दाने डाने में केसर का दम बोलते हैं मेरी तो इच्छा होती है घर के ऊपर जब रिलेटिव आते हैं ना रिलेटिव मतलब मालूम है रिलेटिव मतलब वापस आता थोड़ा हो रिलेटिव मतलब मालूम है वही लोग जो तुमको पूछते हैं कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है ठीक है और तुम्हारे रिजल्ट के वक्त बराबर आ जाते पास हुआ क्या पास हुआ क्या और जिस वक्त तुम पास हो जाते हो उस वक्त कभी नहीं आते उनको पहले ही पता रहता है वो तो रिलेटिव्स तुमको तभी पूछने आएंगे पास हुआ क्या रहे वो तभी पूछेंगे जब उनको पता है तुम फेल हुए हो लेकिन जब तुम पास हुए तब तो नहीं ना, ना। तो आएंगे जो अच्छा है वो तो अच्छा है मेरे सभी रिलेटिव अच्छा उनके लिए तुम्हारे उन के लिए। कभी अगर ऐसे रिलेटिव घर पे आए तो उनको खीर घर पे खीर बनाना अच्छे एकदम और उसके अंदर डाल देना विमल बोलो जुवा केसरी बोलेंगे क्यों तो बोलना दाने दाने में केसर का दम खीर में केसर है ये लो विमल समझो दाने दाने में केसर का दम में आ रहा है सो गुट का दाना महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में क्या बैन है गुटखा बिहार में भी लिखकर बैन है बिहार में यकीन नहीं होता पर है बिहार में भी लिखकर बैन है अब मुझे एक सवाल का जवाब देना गुजरात में लेकर बैन होने से बिहार में लेकर बैन होने से महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने से क्या पूरे इंडिया में बैन हुआ है इंडिया में धड़ाले से चल रहा है महाराष्ट्र में गुटखा नहीं चलता हालांकि महाराष्ट्र में भी लोग खाते हैं मैं तो देखता भी हूं लेकिन बैन है लीगली पर देश भर में यह बैन नहीं हुआ है महाराष्ट्र में बैन होने से देश भर में बैन नहीं हुआ इसलिए तो वो अजय देवगन जी बोलो जुबा केसरी करते हुए टीवी पे आते अगर पूरे देश में बैन हुआ तो अजय देवगन जी आएंगे क्यों टीवी पे क्लियर है ये होते हैं स्टेट लॉ जैसे गुटका दारू वाले लॉज लॉटरी वाले लॉज बिकॉज लॉटरी का इनकम भी स्टेट को जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लॉज ये स्टेट बनाती है क्लियर है यह दूसरा लिस्ट और तीसरा होता है कॉनकरेंट लॉ कॉन सर व्हाट इज कॉन लॉ जो सेंटर को भी यूनियन को एक जैसा लगेगा पर स्टेट को कुछ पावर होते हैं उसके अंदर चेंजेस करने के जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो तुम्हारे सिलेबस में है जीएसटी गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नालायक को गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट दो जीएसटी समझ में आ रहा है सबको हा है ना यह है वो लॉ जीएसटी जो सेंटर और स्टेट को अलग अलग लग लगता है आप कभी होटल में खाना खाने जाओ तो आपको होटल में सीजीएसटी सीजीएसटी करके लिखा हुआ होगा वो होता है ढाई परसेंट और लिखा है एस जी एस टी बिल के ऊपर वो होता है ढाई परसेंट सी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यूनियन का टैक्स एस जी एस टी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स और ये दोनों अलग अलग भी माइड भी हो सकते हैं जैसे सीजीएसटी दस परसेंट हो एस जी एस टी पांच ही हो सी जी एस टी पांच हो तो एस जी एस टी दस हो ये पावर स्टेट को देख रखे दिस इज अ कॉन्करेंट लॉ जो सब स्टेट और सेंटर मिलकर अपना अपना डिसाइड कर सकते हैं कैटेगरीज़ ऑफ लॉ सर मजाक करे ऐसी जिंदगी में नहीं देखी पूरा फाउंडेशन पढ़ लिया, पढ़ लिया हमने नहीं देखी तो दिखा देता हूं निकी और पूछ पूछ क्यों दिखा देता हूं तुमने नहीं देखी अपन भैया एविडेंसेस के साथ बात कर रहे लॉ पढ़ा रहे भैया कोर्ट के सामने विटनेस और इविडेंसेस अपने लेके घूमते ऐसा नहीं तुमको हवा में खुद भी पढ़ा देंगे जिंदगी के बोलेंगे मान लो ना 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 जो है एविडेंस में है जो है वो बता रहे रिसर्च किए है पूरा का पूरा फिर ना बोलना दर्शन सर ने बताया नहीं करके ठीक है खोल के दिखा देंगे अभी देख लेना बाद में ना पूछना सर क्या बताया नहीं बताया करके खुल्ला सिम सिम

ये 97 सब्जेक्ट्स है जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बन सकता है ये चीज को आपने याद रखना 97 सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर लॉ बन सकता है इसमें से आपका जो कंपनीज एक्ट बना है ना वो है एंट्री नंबर 43 एंट्री नंबर 44 पढ़ लो कंपनीज एक्ट का एंट्री थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी फोर यह आपको याद रहना चाहिए यूनियन लिस्ट के एंट्री फोर्टी थ्री फोर्टी फोर सब्जेक्ट एटी थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी फोर में एटी थ्री सॉरी फोर्टी थ्री फोर्टी फोर में यूनियन लिस्ट के कंपनीज एक्ट बनाया आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स भी इन सबके ये लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं मिली जाएगा एक बार जरा गूगल से डाउनलोड करके चेक कर लेना कॉर्पोरेशन रेग्यूलेशन वाइंडिंगअप ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन मैंने बॉडी कॉर्पोर का डिफिनेशन बोला था कंपनी कॉर्पोरेशन एल एलपी ठीक है इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बट नॉट इंक्लूडिंग कॉपेटिव सोसाइटी इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड वाइंडिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन वेदर ट्रेडिंग ऑर नॉट विद ऑब्जेक्ट कन्फाइंड टू वन सेट बट नॉट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज ये है भैया

तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे बने हुए हैं ये देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले लॉ कल्टीवेशन मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अफीम वाले लॉ क्लियर है ये सब इसके अंदर है सभी के सभी 97 ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन 97 सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी सरकार जितने चाहिए उतने लॉज बना सकती है नाइनटी पे एंड हो गया यह है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में 66 लिखा था मैंने यह है स्टेट लिस्ट पुलिस से रिगार्डिंग लॉ पब्लिक ऑर्डर से रिगार्डिंग लॉ महाराष्ट्र की स्टेट हर एक स्टेट का अलग अलग पुलिस होता है महाराष्ट्र पुलिस पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस अलग अलग होते हैं इसलिए पुलिस के लॉस पहले आ जाते हैं इसके अंदर आपको लोकल गवर्नमेंट सभी गुटखा पान मसाला वाले सब इंटॉक्सिकेशन ऑफ लिकर लिकर से रिगार्डिंग मैंने बोला था ना लिकर वगैरह के ये जो लॉज है वो गुजरात में बिहार में बहने इसी के अंदर बने हैं स्टेट के नियरली 66 सब्जेक्ट है नियरली क्या 66 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट खुद के लॉज बना सकती है जो पूरी इंडिया में अप्लीकेबल हो ना हो स्टेट में अप्लीकेबल हो सकते हैं सिक्सटी सिक्स एंट्री बात खत्म जीएसटी कॉन्करेंट लॉज ये इसके अंदर आते हैं कॉन्करेंट लॉस जो सेंट्रल स्टेट को अलग अलग जैसे insolvency, bankruptcy, code, CA final पे आएगा, clear है? That is a concurrent law. Administration वाले वगैरह वगैरह इनके वाले लॉस ड्रग्स रिगार्डिंग लॉस सभी ऐसे फोर्टी अलग अलग टॉपिक्स है 47 अलग अलग एंट्रीज है जिसके अंदर आपके कॉन्करेंट लॉ बन सकते हैं अगर आपको यह पता है तो फिर पढ़ने में मतलब है लॉ कैसे बनता है उसके पहले हाथ भी ना लगाना यह चीज फाउंडेशन में ही पता होनी चाहिए थी क्योंकि आपने सेंट्रल लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो यूनियन लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो फाउंडेशन में प्राइमरी लेक्चर ही मैं ये लेता हूं लॉ क्या है क्या फैक्टर है और कैसे बनता है ये तुम फाउंडेशन में पांच लॉज अगर पढ़ लिए और तुमको पता ही नहीं लॉ कैसे बनता है तो तुमने क्या पढ़िया पास हो गए पास तो भैया कोई भी हो जाता है पास पास होने में दिक्कत नहीं है जो रट्टू पोपट है वो भी पास हो जाता है उसने भी रटने में मेहनत की है तो यह चीज बेसिक नाम नहीं डुबाना है बेटा सीए बनना है वो भी इथिक्स वाला मैं आपको एक आज ही मूल मंत्र देता हूं सीए बनने के लिए एक सीए बनने के लिए मूल मंत्र देता हूं नॉलेज से जिस दिन तुम सीए बन जाओगे उस दिन इंस्टीट्यूट भी तुमको पास करने पर मजबूर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है याद रखना नॉलेज से जिस दिन तुम सीए बन जाओगे उस दिन इंस्टीट्यूट भी मजबूर हो जाएगा तुम्हें पास करने के लिए हाँ एक हाथ सब्जेक्ट में कम एक हाथ सब्जेक्ट में ज्यादा पर नॉलेज से बनो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने मेरे, मेरे पर, पर एनएम कमा रहा था साल का तीस चालीस लाख रुपए क्योंकि नॉलेज से ऑलरेडी बन गया था अब इंस्टीट्यूट के एग्जाम पास करना उसके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी थी सी ए कर क्यों रहे हो एनी घर की लाइफ खुद की लाइफ मेंटेन करनी है पैसा कमाना है तो अगर नॉलेज तो ऐसे भी कमा सकते हो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ ये चीज को याद रखना नॉलेज से ये बन जाओगे इंस्टीट्यूट ने पास करना सिर्फ फॉर्मेलिटी है आपको खाने पीने के तो वादे नहीं आएंगे मस्त लग्जरी में लाइफ जाएगी नॉलेज से बन जाओ पहले क्लियर ये चीज को याद रखना चार्ट में आपके सामने रखना चाहता हूँ बच्चों कैसा लग रहा है ये मुझे जरूर बताना समझ में आ रहा है क्या क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस है बहुत सारे नए बच्चे होंगे जिनके सामने मैं पुट कर रहा हूँ पर मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इसलिए मैं पूछ रहा हूं मुझे बताना आपको समझ में आया नहीं आया गो फॉर इट फास्ट बच्चों उदय किरण गौड ऐ नो कोझम कंजम तेलगु कोंजम लेदू, चाला तेलगु इज वेरी बॅड चाला बॅड ट्वेंटी वन के लिए ये बैच बेटा मेरे रिकॉर्डिंग तो जनवरी एंड तक पूरे खत्म हो जाएंगे फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप कब तक उसको कंप्लीट करते हो दीपेश यस बेटा पंकज अपने को बंगाली सिर्फ बाबू मुशाए तक के पता है बाबू मोशाए पानी खोबे इतना ही मालूम है और पानी पीबे जलम खोबे ऐसा कुछ है ना चलो फटाफट लिख लो बच्चों राज पहले दस पंद्रह लेक्चर्स फ्री है सो दैट रूटीन में आ जाओ रिजल्ट तक के ऑनलाइन डाउनलोड विनेता शुरू हो जाएगा नियरली पांच जनवरी से मेरा एटलीस्ट लॉक बाकी लोगों का उनके हिसाब से बाकी टीचर्स का पर लेक्चर चलते रहेंगे ऐसे नवंबर ट्वेंटी वन वाले इसको ले सकते हैं प्रोवाइडेड दस सितंबर को यूट्यूब पे जो अमेंडमेंट आएगा वो आप देख लो अंकित फर्स्ट लेक्चर देखना ये सेकंड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर देखना अनुज में कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स नहीं पता बेटा आई एम वेरी सॉरी अभी ऑनलाइन डाउनलोड मिलेगा प्राची नियरली दस जनवरी को हम ड्राइव शिप करेंगे आप ऑनलाइन डाउनलोड लो तो बेटर रहेगा इसमें आपकी सेविंग्स भी हो जाएगी थोड़ी अगर आपके घर पे वाईफाई वगैरह है तो दैट विल बी बेटर नीचे जो लॉल दिया है वो मत लिखना आपने सिर्फ सेंट्रल प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट तक के ही लिखना है जीएसटी कॉन करेंट लॉ है सेंट्रल खुद डिसाइड करेगा स्टेट खुद डिसाइड करेगा पंकज उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा जीरो परसेंट अब ये स्टेट और सेंट्रल के ऊपर डिसाइडेड है अब जिन गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता आप अज्यूम कर सकते हो वो ऑलरेडी जीरो परसेंट में है फिलहाल अनुज इसके बारे में आइडिया नहीं है वी डोंट नो मोबाइल पे चल सकते हैं नहीं बट वी आर वर्किंग ऑन द सेम शायद चल सकते हैं एक बार वी स्मार्ट के वेबसाइट के ऊपर चेक करना डिस्क्रिप्शन में एज अ टीचर मेरे को आइडिया नहीं है ये एडमिनिस्ट्रेशन में पता रहेगा आफ्टर रिजल्ट बेटा गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करेंगे रिकॉर्ड करके वो इनक्रिप्टेड लेक्चर्स रहेंगे उसके लिए एडमिशंस लेनी पड़ेगी बेटा हाँ कोई नया टॉपिक ऐड करना है प्रिंकल तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा आगे इसी लिस्ट में पर नियरली सभी 99.99 परसेंट .99 सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है ऐसा हार्डली कोई सब्जेक्ट होता है वो एडजस्ट करके इनके अंदर ही लिया जाता है चलो लिखना हो गया है बच्चों सबका लिखना हो गया हम यही ट्रेंड फॉलो करेंगे जब आप लिख रहे हो उस वक्त में आपकी क्वेरीज जो कमेंट में है वो सॉल्व करता रहूंगा जिससे आपका समय भी जाया नहीं जाएगा मेरा भी समय जाया नहीं जाएगा ठीक है चलो सो ये हो गया लॉज लॉज कैटेगरीज ऑफ जो आप बना सकते हो नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड हम चले जाए एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर जो हमने देखनी है लॉ बनाने की आ जाइए गो मैं जा रहा हूं एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर जिस प्रोसेस में हम लॉ बनाते हैं अभी तक तो हमने सिर्फ कैटेगरीज ऑफ लॉ देखा है बट नाउ इट इज अ टाइम कि हम हम अनुजा 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 सॉरी 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 आई एम ओझा ओझा बराबर सो अब एक्चुअल प्रोसेस देखते हैं जिसके अंदर लॉ बनाया जा सकता है ठीक है मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए इंडिया में जैसे लॉ बनाने की भली तीन कैटेगरीज हो लेकिन प्रोसेस दो ही है पहले प्रोसेस का नाम है सेंट्रल प्रोसेस मतलब कहीं लिखा हुआ नाम है ये मैंने है, उसमें दो टाइप के लॉज कवर किए जाते हैं है, है, और कॉन्करेंट लिस्ट के लॉज ये सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू पास किए जाते हैं ये चीज को आपने याद रखना है दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्टेट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस बोले एक बार स्टेट प्रोसेस और स्टेट प्रोसेस में हम स्टेट लॉस पास करते हैं स्टेट लॉज जैसे जुबा केसरी वाला लॉ गुटखा बैन लिकर बैन ऐसे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉटरी वाले ये ये हम इसके अंदर पास करते हैं क्लियर हाँ ना सब सबको चीज अगर आपको पता है तो मैं अगले पॉइंट के ऊपर जा सकता हूं और अगला पॉइंट है प्रोसेस कैसे शुरू होती है कोई भी लॉ बनाने के लिए पहले उस लॉ का लगता है ड्राफ्ट कोई ऐसा बंदा लगता है जो उस लॉ को लिखे उस लॉ के बारे में उसको नॉलेज हो उसको लिखे सो फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेप बहुत टेक्निकल डिस्कशन है बड़े गौर देना मैं इसमें पॉलिटिक्स में भी घुसने वाला हूं कमेंट करना बंद कीजिएगा पूरा पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए मैं जो जितने भी सवाल आए हैं वो एंटरटेन करूंगा जब सब लिखेंगे डोंट वरी सो पहला प्रोसेस होता है बच्चों ड्राफ्टिंग का ड्राफ्टिंग मतलब लॉ बनाने का प्रोसेस लॉ लिखने का प्रोसेस ठीक है सो फर्स्ट प्रोसेस है ड्राफ्टिंग का सर ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है कौन लॉ को लिख सकता है बेटा कोई भी लिख सकता है सर आप लिख सकते हो सर हां बेटा मैं लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं सर हम लिख सकते हैं बेटा आप भी लिख सकते हो लेकिन हम और आप लिखेंगे हमारा वहां कोई मानेगा नहीं क्योंकि हमारी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है तो नॉर्मली लॉ उसने लिखना चाहिए जिसके अंदर धमक हो पॉलिटिक्स में घुसने का या उसको ब्लेंड करने का फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी इन्होंने दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लिखा है उसको लिखने में इनका काफी पार्ट है लोकपाल बिल जिसके लिए अण्णा आजारी जी ने अंशन किया था वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है सो so, अगर उस वक्त तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं चला रहे थे और उस वक्त ना ही वो मिनिस्टर थे ना एमएलए नॉट इवन अ कॉर्पोरेटर वो आई गेस आई ऑफिसर वगैरह थे जिसके हिसाब से उनको लगा कि कुछ चेंजेस होने चाहिए तो उन्होंने लॉ लिख लिया समझ में आ रहा है सबको हाँ ना तो पहली चीज ड्राफ्टिंग कोई भी कर सकता है थोड़ा उसको एक्सपर्ट नॉलेज हो सिचुएशन में घुसा हो सिस्टम को जानता हो पॉलिटिकल पावर हो ठीक है फिर इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट पे और स्टेट लेजिस्लेचर पे अगर कॉन्करेंट यूनियन लॉ है तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब अगर स्टेट लॉ है तो अब पार्लियामेंट मतलब क्या सर तो पार्लियामेंट मतलब वही जहां लोग झगड़े वगड़े करते हैं मारापिटी करते हैं ये दना दन फेको मारो माइक वाइक फेंक के मारते चेयर वेर फेंक के मारते ऐसा ना वही तो पार्लियामेंट है हमारा नालायक सभी के सभी यही पार्लियामेंट जिसके अंदर लोग नोटों के बंडल खोल खोल के दिखाते हैं घूस दिया करके वही पार्लियामेंट जहां पे पप्पू जी सोते हैं सब लोग सोते हैं फिलहाल तो पप्पू जी मिले हमको वेरी सॉरी जो पप्पू जी को मानते हैं सॉरी ठीक है वही पार्लियामेंट जहां पे लोग मोबाइल के ऊपर गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं नालायक लोग इनको शर्म नहीं आती मोबाइल के ऊपर अरे कहां बैठे हो क्या कर रहे हो वही पार्लियामेंट जहां अब क्या बोले लाइफ में क्या बोले अनफॉर्चुनेटली वी आर रूल्ड बाई दीज पर्सन ठीक है अब क्या करें जिंदगी वही स्टेट लेजर वही पार्लियामेंट सो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सो सबसे पहली स्टेप जो होती है मैं यहां लिख के रखता हूं अगर आप यूनियन लॉ पास कर रहे हो चल जा चल जा सिम सिम ला 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 ला, ला हैंग हो गया हैंग ला तो संपला हा आ गया so, भगवान बंदी हो गया वापस ओपन करना पड़ेगा कोई कमेंट में चाइना चाइना नहीं बोलेगा ना लाइक चाइना बोले शर्म करो जिंदगी के अंदर चाइना है क्या पढ़ा रहा वो लैपटॉप है इसलिए जिंदगी चल रही है तुम्हारी और मेरी चाइना बोले कॉन्करेंट लॉ कैसे पास होता है समझ में नहीं आता प्रेम कॉन्करेंट लॉ अभी बता रहा हूं वही प्रोसेस में बता रहा हूं कैसे पास होता है जस्ट वेट फॉर इट प्रोसेस ही देख रहे अपन प्रेम प्रेम चौधरी नाम है खुल जा सिम सिम समय बर्बाद आगे मेरे को नहीं मालूम बुक एक जनवरी से रिलीज होगी बच्चों हाँ आ जाइए सो so, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो इस लॉ का ड्राफ्टिंग अब इस ड्राफ्ट के अंदर एक यूनियन ड्राफ्ट बनेगा और दूसरा ड्राफ्ट है कॉन्करेंट ड्राफ्ट जैसे जीएसटी का ड्राफ्ट प्रेम जी आप कॉन्करेंट लॉ के बारे में पूछ रहे थे मैं यूनियन कॉन्करेंट साथ में ही बता रहा हूं फिर इधर जो स्टेट लॉ के अंदर प्रोसेस है उसके अंदर बनते हैं बेटा स्टेट लॉ के ड्राफ्ट स्टेट लॉ के ड्राफ्ट सेप्ट समझ में आ रहा है सबको ये चीज को याद रखना फिर ये ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में अगर सेंट्रल और कॉन्करेंट लॉ है तो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में और स्टेट लॉ है तो इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर में ठीक है फिर उसके बाद में अगली चीज इन लॉज का इन जगह पे फर्स्ट रीडिंग होता है जो फर्स्ट रीडिंग आप सेंट्रल लॉ का लोगे वो लोगे इन फ्रंट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने आप इनका रीडिंग लोगे और जो आप स्टेट लॉ का रीडिंग लोगे दैट इज इन फ्रंट ऑफ एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो आमदार और खासदार बोलते हैं ना विधायक मतलब आमदार खासदार जिसको हम बोलते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके सामने आपको रीडिंग लेना पड़ेगा क्लियर है यह होने के बाद में इसके ऊपर पब्लिक खुद के कमेंट्स देगी मतलब ये एमपी एमएलए कमेंट देंगे ओपन पब्लिक कमेंट देगी पर पब्लिक तो पागल है पब्लिक तो कोई भी कमेंट दे सकती है जैसे सेंट्रल लॉ के ऊपर इंडियन पब्लिक कमेंट देगी इंडियन पब्लिक कमेंट्स देगी स्टेट लॉ के ऊपर स्टेट की पब्लिक कमेंट देगी उस राज्य की पब्लिक जैसे महाराष्ट्र के अंदर गुटखा बैन करना है तो अजय देवगन को नहीं पूछेंगे मतलब अजय देवगन यहां के रहते हैं तो उनको पूछ लेंगे पर महाराष्ट्र की पब्लिक को पूछेंगे बाहर के लोगों को नहीं पूछेंगे क्लियर है कंसर पर पब्लिक पागल है पब्लिक कुछ भी कमेंट कर सकती है सोनम गुप्ता बेवफा है बिनोद गन साहब ताडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता पब्लिक कोई भी कमेंट कर सकती है बोलो हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमको इसको फिल्टर करने के लिए बिठानी पड़ती है कमिटीज सो ड्राफ्टिंग है इंट्रोडक्शन है रीडिंग है कमेंट है पासिंग है सो so, इसको डिस्कशन करेंगे कमिटी की तरफ से किससे डिस्कशन करवाएंगे कमिटी ये कमेटी एक्सपर्ट लोग होते हैं तगड़े लोग होते हैं शायद आपको नहीं पता मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दू हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट 2013 है आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए तीन कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी तीन बड़े लेवल की कमिटीज बनी थी तगड़े लेवल ही एक okay, तीन बड़े लेवल की तगड़े लेवल की कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी जैसे सर नारायण मूर्ति कमेटी नारायण मूर्ति आपने सुना होगा इन्फोसिस वाले उनकी कमेटी बनाई गई थी दूसरी कमेटी कंपनी एक्ट के लिए बनाई गई थी कुमार मंगलम बिरला आदित्य ग्रुप बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन क्लियर कुमार मंगलम बिरला आपको शायद नहीं पता कुमार मंगलम बिरला ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन्होंने सीए के एग्जाम पास की है कंसब समझ में आ रहा है सीए है कुमार मंगलम बिरला राकेश झुंझुनवाला आपने सुना होगा वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्लियर है so, सो नारायण मूर्ति कुमार मंगलम बिरला और तीसरी जो कमेटी थी वो थी सर जे जे ईरानी कमेटी सो so, ऐसे एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई जाती है जस्ट फॉर द पर्पज की लॉ के अंदर जो कमेंट्स आए उसको ठीक कर पाए कंसेप्ट समझ में आ रहा है और इस साइड स्टेट लेजिस्लेचर में नॉर्मली स्टेट की कमिटीज बैठती है स्टेट कमिटीज ठीक है तो यह चीज को आपने बड़े अच्छे लेवल पे याद रखना यह है पहला प्रोसीजर ड्राफ्टिंग इंट्रोडक्शन रीडिंग कमेंट एंड पासिंग कंसेप्ट समझ में आए इस हिसाब से लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है अब मैं चाहूंगा आप एक पेज लो एक सिंगल पेज लो उस पेज के अगर दो पार्ट करो ठीक है दो पार्ट में से एक पार्ट में आपने ये प्रोसेस लिखना है दूसरे पार्ट में ये भले ही आप फोटो ड्रॉ कर पाओ ना कर पाओ कोई फर्क नहीं पर साइड में ये जो मैंने कमेंट्स लिखे हैं रेड कलर में वो आपको लिख लेना है तो आपका एक पेज के ऊपर पूरा प्रोसेस आ जाएगा लॉ कैसे बनता है ठीक है फिलहाल इतना लिख लो गो फॉर इट फास्ट और 10-15 मिनट चलेगा दीपिका पौने तो 12 तक आज हम खींचेंगे क्योंकि मेरे को कंटेंट क्लियर करना है आज कमेटी मेंबर्स नॉर्मली पार्लियामेंट सेलेक्ट करता है पार्लियामेंट के लोग सिलेक्ट करते हैं या फिर पीएमओ वगैरह के जो ऑफिस होते हैं नॉर्मली वो सिलेक्ट करते हैं इसको लिख लो फटाफट लिखना हो जाए तो कमेंट में बता देना पिंकी भाई अपने को रिजल्ट की डेट नहीं पता आइडिया नहीं है सुधांशु जीएसटी के लेक्चर डीटी के बाद शुरू होंगे ले एकदम मस्त अच्छा अगर आपका लिखना नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अभी मेरे को आगे बढ़ना जरूरी है साढ़े ग्यारह ऑलरेडी बच चुके हैं पर अपने को कंटेंट लेना जरूरी है अच्छा अब जो डिस्कशन करने जा रहा हूं खुद को बकलअप करो छोड़ना नहीं है क्योंकि अब जो डिस्कशन है वो बहुत जबरदस्त डिस्कशन है मुझे पूरा ध्यान तगड़ा लेवल पे बोर्ड के ऊपर चाहिए एक बार कमिटी ने लॉ पास कर दिया जोश हाय सर हाउस लिखो कमेंट में हाय सर ठीक है फटाफट लेट्स गो बहुत बढ़िया सो so, एक बार कमिटी ने लॉ पास कर दिया देखो पार्लियामेंट पे पहले लॉ का रीडिंग हुआ था पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया था पार्लियामेंट ने सिर्फ रीड किया था अब वापस से कमिटी से फिल्टर होने के बाद वापस से लॉ आएगा पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में पर इस बार दो डिफरेंट हाउसेस के ऊपर आएगा दो अलग अलग हाउसेस के ऊपर लॉ आएगा क्लियर है सो अब बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना दो डिफरेंट हाउसेस पे लॉ आने वाला है पहले हाउस का नाम है बच्चों लोकसभा पार्लियामेंट में लोकसभा और दूसरे हाउस का नाम है राज्यसभा लेकिन अपना पेपर तो इंग्लिश में है सर लोकसभा राज्यसभा थोड़ी लिखेंगे तो लिख लो बच्चों हाउस ऑफ पीपल एचओपी ये भी नहीं चल रहा भगवान ए भगवान ए ए शक्त ए मा, ए मा पेन नहीं चल रहा ए, मा, ए मा शक्ति मा, ए मा अरे यार मतलब समय भी खत्म हुआ जा रहा है पेन भी नहीं चल रहा है कौन गालियां दे रहा है मेरे को एक बात बता जरा कमेंट में कौन कौन नाला है के जो गालियां दे रहा है कि साढ़े ग्यारह हो गए आज ने क्लास नहीं छोड़ा है ए माँ शक्ति पेन भी नहीं चल रहा हे भगवान अभी क्या करें रुको ठीक है चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है फिलहाल ठीक है आज के लिए अपन यहां रुक जाते हैं टाइप नहीं कर सकते बेटा टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है ठीक है आज के लिए हम यहां रुक जाते हैं ठीक है चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है ठीक है कल अपन यहीं से एक्टली exactly शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है अच्छा एक और चीज बता दू थर्टी फर्स्ट फर्स्ट को आपको छुट्टी है ठीक है तो उस वक्त लेक्चर नहीं होंगे पार्टी वाला टाइम रहेगा 2020 खत्म होने की खुशी मनानी है जिंदगी में मेरे को तो दो कि साल खत्म हो गया साल यह इसकी खुशी आप भी मनाओ तो बहुत अच्छी बात है ऐसा साल वापस जिंदगी में कभी ना आए ये भी दुआ करना ठीक है तो आज के लिए थैंक यू सो मच पेन का कल्याण हो नालायक शिवम ठीक है सो थैंक यू सो मच एंड uh, आप सब लोगों को uh, कल हम मिलते हैं प्रॉपर दस बजे ठीक है तो ये चीज का रहा कल से अपन एटलीस्ट पौने बारह बजे ग्यारह बजे तक के खींचेंगे थोड़ा कंटेंट के लिए हमको जरूरत पड़ेगी ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर दिस दर्शन करें साइनिंग आउट कल हम यही से शुरू करेंगे गुड डे गॉड ब्लेस यू टेक केयर